डीजे वाले बाबू, डीजे वाले बाबू, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने फिलहाल सेट चेंज कर दिया, क्यों? क्योंकि मैं नमाज पढ़ने गया था, इस वजह से वो हाफ बाजू थी, मगर अब फुल पहन लिया, नमाज पढ़ के आ चुका हूँ। मगर क्या हो गया है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं ब्लॉग शाम को ही शुरू करता मगर अभी कर दिया है मैंने ब्लॉग शुरू। तो हुआ क्या है, पापा की कम से कम 10 कॉल आ चुके थे, मैं नमाज पढ़ने गया, वो कह रहे हैं भाई थार में, एक्सेस में और गाड़ी में तेल डलवा ला क्योंकि तेल नहीं मिलने वाला। मैंने ऐसा क्या हो गया, कह रहे हैं वो झगड़ा चल रहा है ना, राजनीति चल रही है, तो उस चीज को लेकर जैसे भी है, तो आगे से पेट्रोल नहीं आ रहा है। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं, सबसे पहले कराते हैं थार को फुल, ठीक है? और उसके बाद थार तो शायद, थार तो मैंने कल परसों जब गया था जब भी फुल करा ली थी, उसमें तो थोड़ा बहुत तेल कम होगा, तो मुझे बस की नहीं है लाइन में लगना। अगर लाइन नहीं होगी तो उसमें डलवा लेंगे। तो फिलहाल अभी जुपिटर में एक्सेस में जो है हमारा, उसमें डलवाने चलते हैं और देखते हैं कैसा माहौल है। पापा जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, तो फिलहाल वहां के लिए चलते हैं, क्योंकि बाहर के इतने काम कर चुका हूं मैं बहुत, वो मैंने व्लॉग में ऐड नहीं कराया, क्योंकि शाम को जो मेन चीज है पार्टी, पार्टी होगी तो वो चीज को हमें आपके साथ शेयर करना है, तो वो चीज मैं आपके लिए जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। तो फिलहाल अभी हमें कहाँ जाना है, पेट्रोल पंप पे, तो चलते हैं। अभी फिलहाल टाइम हो चुका है 6:06, थार की हालत देख सकते हो कैसी हो रही है। तो थार तो फुल करा रखी है मैंने, बारी है हमारे एक्सेस को जो कि फुल कराने की, ठीक है? तो चलते हैं पेट्रोल पंप पे, यहाँ तो लग रही है लाइन जो कि पेट्रोल पंप पे, और लाइन में मुझे गुस्सा आता है। उल्ली तरफ है नहीं, वो बोल रहे हैं फुल भी नहीं करने के, यानी कि 100-200 रुपए का तेल देंगे। तो अभी दूसरे पेट्रोल पंप पे चलते हैं, इस पे से चलते हैं वापसी। ओ भाई यहाँ तो उससे भी ज़्यादा भीड़ लग रही है, मगर यहाँ पे अपनी जो है थोड़ी बहुत सेटिंग है, तो फिलहाल कराते हैं पेट्रोल फुल। फिलहाल पेट्रोल तो फुल करा दिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत सेटिंग थी, हवा डलवा लेते हैं क्योंकि ऐसे चल रहा था लबक लबक। तो यहाँ तो हमारे साथ एक और फिल्म हो चुकी है, वो बता रहे हैं भैया कि पिंचर हो रहा है इसमें, ये डबक डबक जो कर रहा है ना, पिंचर की वजह से कर रहा है। लगा दे तो यार, पिंचर निकल गया होता यार। तो अभी फिलहाल मस्त टंकी भी फुल हो गई है, और हवा चेक करा रहा था उसमें पिंचर निकल गया, तो पिंचर भी लगवा लिया, टंकी फुल करा दी है इसकी। थार के लिए कह रहे हैं पापा, मैंने थार में तो फुल है टंकी, इसमें भी फुल है, कोई टेंशन नहीं लेने का। और एक चीज आपको बता दूं, बहुत सा दिन कैसे स्पेशल होता है, यानी कि एक दिन में हमें करने के लिए बहुत सारी चीज होती है, और बहुत से दिन ऐसे आते हैं जिसमें हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता। मैं लोग में भी सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, मगर आज मेरे पास इतनी सारी चीज हैं आपको दिखाने के लिए, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ सुबह से। अभी तो शाम की पार्टी बाकी है, वो चीज पहुंचा तो देख लो, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, यानी कि बड़ा व्लॉग हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, मगर आपको इसमें मजा ही आने वाला है, तो व्लॉग को कंटिन्यू देखते रहना, ठीक है? तो अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं बात करने वाला, सीधा आपको पार्टी में मिलूंगा, क्योंकि बहुत हो गया है। आज तो हद हुई पड़ी है, सुबह से फोन ने ऐसी तैसी मार ली, और दो तीन मैं सुबह बता दिया था कि आज प्रोग्राम है, मगर एक प्रोग्राम और है, यानी कि मैं भूल जाता हूँ ना जल्दी जल्दी, कुछ बातें ऐसी रह जाती जो कि भूल जाता हूँ। तो तीन प्रोग्राम है टोटल, एक बर्थडे पार्टी और दो जगह वलीमा, जहाँ की मुझे जाना ही जाना है, और वहां से कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं वो, क्यों? क्योंकि मुझे वो बुला रहे हैं, क्योंकि जहां से मैं थार लेके गया था एक जगह वहां जाना है, वो दोस्त थे, ठीक है? और दूसरी जगह अपनी जामिया, अपनी जो सोसाइटी है उसके अंदर ही वलीमा, एक वहां जाना है, ठीक है? और एक है दोती जी का बर्थडे, एक वहां जाना है। तो बर्थडे के लिए जिस दिन भाग दौड़ रहती है, हैंड टू हैंड को कुछ संभाल लेना होता है। अब तो फिलहाल मैंने गिफ्ट पैक करा लिया जो कि उसे देना है, और मुझे वहां पे विजिट कर जाऊं, उन्हें दिखा दूं कि मैं आया था, फिर वहां से जाकर दिखूंगा बर्थडे पार्टी में जो डांस वांस होता है, ये चीज भी अगर हुआ तो, ठीक है? और वलीमे में एक जगह तो अच्छा प्रोग्राम है, एक जगह ऐसी है जिसका जैसे हिसाब है वो वैसे हिसाब करता है, तो वहां पे चल रहा हूँ। फिलहाल गर्मी इतनी लग रही है, भाग दौड़ में हूँ आज, सुबह पूरा दिन ऐसा चला गया भाग दौड़ में, एसी चल रही है, और जब भी देख रहे हो कितनी टेम्परेचर देख लो मेरा कितना हुआ पड़ा, पूरे में पसीने पसीने हुए पड़ा पूरी बॉडी में। चलो फिलहाल अभी वहां के लिए चलते हैं। मैं जाने से पहले आपको यहीं से दिखा देता हूँ, दो चीज तो यहीं से दिख जाएंगे आपको, वहां जो है ना सामने, ठीक है? सामने जो दिखाई दे रहा है वहां तो है वलीमा, दोस्त के बड़े भैया की शादी हुई है ना, उसका वलीमा है, ठीक है? और इधर जो देखोगे यहाँ पर है बर्थडे पार्टी, जो कि आपको सामने घर दिखाई दे रहा होगा, इसमें ये भी दोस्त का घर है, यानी कि अपनी कॉलोनी में दो प्रोग्राम है, और एक प्रोग्राम जो है इधर की साइड थोड़ी सी पीछे ही है, यहाँ से थोड़ी सी जस्ट पीछे है, एक वहाँ प्रोग्राम। चलो वहाँ पे चलते हैं, आपको वहीं दिखाते हैं। देखो मेरे काम कैसे रहते हैं, मैंने ना गाड़ी वाड़ी धोई थी यहाँ पर, और गाड़ी की जो मैटिंग है ना वो फिलहाल भारी रह गई है, और अभी इन मैटिंग डाल लेता हूँ, उसके बाद जाऊँगा वहाँ पे भी। देखो बच्चे कैसे तैयार हुए घूम रहे हैं, कह रहे हैं चाचा चल लेनी, मैंने अभी रुक जाओ, अभी नहीं जा रहा मैं, थोड़ी देर में जाऊँगा। नोमान तू कैसे देख रहा,
यहाँ पे मैंने अभी जाके गाने बंद करवाए थे मगर दोबारा चालू कर दिया, फिर जा रहा हूँ बंद कराने के लिए क्योंकि अभी अजान होगी और थोड़ी देर में नमाज होगी। और जो फिलहाल जुनैद भाई पहला खाना खा लेते हैं और फिर यार इन्हें मैंने दो तीन बार कह दिया कि इन्हें बंद कर ले बंद कर ले, तो फिर से इन्होंने गाने बजा लिया, फिर कोई ना कोई बंद करा रहा है मगर ये बार बार। कान में टाइम है, पहला खाना खा ले उसके बाद तो मैं अंदर घुमाता हूँ जहाँ पे मिक्की माउस और डीजे लग रही है। पहले एंजॉय पहले चले रहे, कल खाना वाना साथ खा के तो गए और आफ्ताब भाई खाना खा रहे हो, मैंने तो खा लिया तुम खाओ। तो सामने लग रहा है मिक्की माउस, आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको देख के ना किस चीज़ का मन कर रहा है, कहा साथ मैं भी बच्चा होता तो मिक्की माउस में झूल रहा होता। और जुनैद का गायब हो गया, जुनैद आजा खा लिया हो तो खाना, आजा भैया चल ले यार, आजा जल्दी बाहर को निकल जल्दी से। गाइस क्या हुआ यहाँ पे, मेरा नाम लेते यानी कि मैं झूलने के लिए कह रहा था नया, तो बंदी हो गया टू जेट सारा, तो हवा निकल गई इसकी, तो देखा ना आपने, देखो मैंने मिक्की माउस का नाम लिया तुरंत उसकी हवा निकल गई, पता नहीं वहाँ साथ तो क्या होता रहता। अभी फिलहाल जो है नमाज का टाइम हो रहा है तो पहले नमाज पढ़ लेते हैं और फिर मुझे बर्थडे पार्टी में भी जाना है, तो बर्थडे पार्टी वाले को अभी फोन आओ जा रहा है मेरे पास, यानी कि फिलहाल नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज पढ़ने के बाद अभी एक और जगह जाना है, अभी वहाँ जाना है जुनैद वली में, जहाँ से थार लेके गया था कल फही मर के, वहाँ से फिलहाल नमाज पढ़ के भी आ चुका हूँ। और देखो एक चीज सीखने के लिए मिलती है मस्जिद में से भी, ठीक है, जैसे मोटिवेशन आप वीडियोस देखते हो ना वैसे ही मस्जिद से भी मोटिवेशन चीज हमें सीखने के लिए मिलती है। क्या आपको मैं भी बता देता हूँ, एक मिनट, जीने पे कुछ लगाया ना तो सांस चढ़ जाता है, और भैया खड़े हैं बाहर, उन्हें कैमरा देना है, मैं मगर ब्लॉगिंग पहले कर रहा हूँ क्योंकि ये पहले है, ठीक है, वो कैमरा भी दे देता हूँ ना, मैं कैमरा लेने आए भैया। तो हमें ना उसमें भी बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिलती है, जब नमाज हो जाती है ना तो नमाज के बाद हदीस होती है जिसमें हमें 5 मिनट के लिए बिठा लिया जाता है, ठीक है ना, उसमें हमें 5 मिनट में वो बातें समझाई जाती है कि कैसे अमल करना चाहिए, सुन्नत तरीके पे चलना चाहिए, किसी के साथ कैसे बिहेवियर, वो चीज सब उसमें हदीस में आती है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। मगर जो पढ़े लिखे होते हैं जो समझ जाते हैं अमल करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहता है, और जो अमल नहीं करते उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा, उनका तो ऊपर वाले जाने। तो फिलहाल भैया को कैमरा दे देता हूँ, कैमरा कैमरा, सलमान भाई पूरी किट लाऊं या वही लाऊं? अभी तो यहाँ पर भी टाइम लगेगा केक कटने में, एक फिल्म और हो गई, यानी कि ऐसा होता रहता है पोपट पे पोपट। अब क्या हुआ पोपट वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, छोटा वाला भाई जुपिटर लेके गया था जिसमें उसने ध्यान नहीं दिया तेल का, और अब वो आ रहा है पैदल, उसे लेने जाना है। गाड़ी को लेके तो चल लेते हैं मगर ये नहीं देखते कि उसमें तेल है नहीं है, अब पैदल ला रहा है वो, देख रहा सामने दिखाई दे रहा होता, शायद स्टार्ट हो गया दिखे। भाई जब यहाँ तक आ गया तो अंदर तक भी जा सके, ज्यादा दूर तो है ना यहाँ से, यहाँ से बहन वगैरह पैर लगा दे, चल चल पैदल चल, ये पैदल चलेगा गाइस, ये देखो मैं एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ, एक हाथ से कर रहा हूँ, जल्दी चल। हाँ भाई तेल क्यों नहीं डलवाया तुमने तो बताओ, है जरूरत नहीं है, आ जा तो पैदल आ जा, जब यहाँ तक आ जाए जोरा घर, ठीक है चल रहे हैं, तेल का देखते नहीं है क्या है नहीं है, आ जा नीचे को आ जा, आफिया को भी लिया क्योंकि बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, अभी कैसा आ रहा है मैं तुम्हें वो चीज दिखा देता हूँ, पीछे से देखो थार के ऊपर का कैसा व्यू आ रहा है, यानी कि ऊपर चांद निकला हुआ है। तो भाई एक बात तो बता, तेल है नहीं है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तेल नहीं है, लेके चल दो तुम, उठा के चल दो तेल, हमारे अब्बू डलवाने तेल हैं, तेल डलवा ला करो। यो क्या हुआ यहाँ तो लाइट ही भाग गई टू जेड, सारी डीजे वीजे सब बंद हो गया ना, कहाँ की तैयारी भाई सब, ऐसा गुमसुम हो जा एकदम ही कैमरा चलते ही, चलो बाबू इसके साथ चलो, पता नहीं कैमरे के सामने क्या ऐसा एकदम ऐसा हो जाए बिल्कुल। तो गाइस पता नहीं सोफियान को कैमरे के सामने आते ही ना पता नहीं कैसा बिहेव करने लगता है, तुमने देख लिया, यानी कि जो मैं उसकी जो शरारतें होती है ना जब वो मस्ती करता है, तो वो मैं जो है बगैर उसे बताए दिखाए जब कैप्चर करता हूँ, अगर उसे बता देता हूँ ना कि तेरे सामने मैं तेरी वीडियो बना रहा हूँ कुछ बता रहा हूँ, तो वो जो है रिएक्ट नहीं करता, बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल हो जाता है, जैसे नेचुरल रहता है ना वैसे नहीं रहता। तो फिलहाल और वली में बता रहा था मैं वहां की तैयारी है, तो एक प्रोग्राम जो है वलीमे का वो यहाँ पे ले ली घड़ी, तो इन्हें तो शर्म इतनी लगाई लोग माने, मैं बता जल्दी घड़ी ले ली, तो यहाँ का भी प्रोग्राम देख लेते हैं क्योंकि यार वो फोन किए जा रहा है बार बार। तो काट रहा केक, काट रहा नीचे काट रहे, तो एक मिनट रुक जा बस, एक मिनट में आ रहा हूँ यहाँ, यहाँ से तो मैंने खाना खा लिया था, आ रहा हूँ। तो गाइस यहाँ से भी फोन आ चुका है जामिया से, अभी फिलहाल जामिया जाना पड़ेगा दोबारा। तो गाइस अब वहां से कॉल आ गई है, बताऊं ये कैसे टर्न कर पा रहा हूँ, मुझे टॉर्च में दिखाई नहीं दे रहा है मगर फिर भी मैं आराम से चला रहा हूँ, ये इसलिए टर्न कर पा रहा हूँ क्योंकि पास पास में अगर होती ना दूर तो ये मैं टर्न नहीं कर पाता, एक ना एक की बुराई लेनी पड़ती मुझे, मगर अभी पास में है तो मैंने क्यों किसी की बुराई। पर लाइट की वजह से कुछ दिख रहा नहीं था, तो फिलहाल ज्यादा दूरी पे नहीं है, पास पास में है, तो अब वहां पे केक कटने वाला है तो वहां पे भी चलते हैं अपन।
भी हमारा प्लान जो बना है फायर करने का बना है, यानी कि गन फायर नहीं करनी है, गन शॉट करनी है मैं गन फायर। वो कौन सी गन होती है? ये वाली होती है गन, जिसमें से पटाख चलती है, आपने देखी भी होंगी। तो इससे हम जो अभी सेलिब्रेशन करेंगे। तो गाइस ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है कुछ कुछ सामान मिलता नहीं है, अब सेल नहीं मिल रहा है, देखो ना इसमें सेल है ना इसमें सेल है। कहाँ बता रहा है सेल? यो चार क्या बता रहा है, कोने में चार क्या बता रहा है, कहाँ रखे सेल? चार बॉक्स में बता रहा हूँ, अरे सबसे नीचे रुक जा। ये रे सेल, नए सेल, नए सेल डाल के देखते हैं कौन सी चालू है इनमें से। तो घर से बार बार फोन आ रहे हैं, पूरी पीस है सोफियान तो पी ले, अब फिर से पूरी नहीं पी रही। यहाँ पर हो चुकी है छिछोरा पंती स्टार्ट जुदेत, तो मैं तो आराम से बैठा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। ये देखो कैसा मजे ले रहा, मजाक मजाक में मेरा हो गया, मैंने मना करी कैमरा चलाते ही मेरे साथ हो गया। देखो आप भैया वो मेरा खाने का, मेरा नाम मत लियो अम्मी से, ठीक है? ठीक है मेरा नाम मत लियो बाबू, मेरा नाम न लिया है नहीं। पार्टी हो गई है, अब तुम जाओ सीधे घर सो जाओ, ठीक है आराम से। ठीक है भैया जाके सो जियो, तेरी नींद आ रही है। और मैं जा रहा हूँ वलीमे में, क्योंकि अभी वलीमे जो था अभी तो भाग दौड़ में करा था टेंट, मगर अब जो है मुझे करना इंजॉय जो कि हो रहा है सामने। फिलहाल तो यहाँ की लाइट भागी हुई है, मगर सामने जो है वहाँ डीजे चल रही है और वहाँ गाने चल रहे हैं ऐसे डांस के। तो कैसे चल रहे हैं? यहाँ तो हमें काफी लेट हो गया, यहाँ का प्रोग्राम जो है सारा निमट चुका है अभी। अभी फिलहाल जुनेद डांस करने वाला है, साथ में हम भी करेंगे, देखते हैं और फिर जाके सोते हैं। फिर भाई ब्लॉग को एंड ही करना है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। ये बता तू वहाँ पे करेगा नहीं? अभी मैंने खाने भी नहीं खाया जुनेद के यहाँ पे, वैसे तो खाना खा लिया है मगर जुनेद के यहाँ नहीं खाया मैंने खाना, तेरे घर में रह रहा हूँ खाना खाने से। तो भाई मैंने भी नहीं खाया, बस तो खाना खाएंगे मम्मी पे बैठ के। गाना बजा दो बच्चो, डीजे वाले बाबू, डीजे वाले बाबू, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो गाना। बच्चे चला रहे हैं यहाँ पे गाने, डीजे वाले बने हुए पर भी फिर से पोपट हो गया। पोपट कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ, हमारे डांस करने की बारी है। यहाँ पर आ चुकी है आंधी, ए टू जेड यहाँ की तो लाइन काट दी है क्योंकि आंधी आ गई इसकी वजह से, और आपको दिखाई दे रहा होगा हवा कितनी चल रही है। आंधी इतनी तगड़ी आ गई, बहुत तगड़ी, इसमें कैमरे में नहीं दिखाई दे रही है मगर आंधी कितनी तेज आ गई है जुनेद बता ही सकता है कोई? उड़ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, उड़ जाता। चल तो फिलहाल भाई खाना तो खिलवा दे यार। जुनेद ये कौन कौन है हमारा स्वागत करने के लिए खड़े है? ये काशीनाथ, ये मेरी गैंग का आदमी है, इसे हाथ लगाए ना तो काट के बोटिया करवा दूंगा, है नहीं? समझ रहे हो? ऐसी है नहीं? ओ भाई ओ भाई ओ ए। तो आप जब से मैंने बाल कटवाए हैं, जब से आप हालत देख रहे हो बालों की, अब भी ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बाउल हूँ। देखो मेरे इधर से भी बाल, इधर से भी बाल, सारे बिगड़े पड़े हैं। तो फिलहाल होता रहता है जब बाल कटिंग करा लेना तो अजीब सा फेस लगता है।
और सामने मेरे देखो कितनी बड़ी चुटिया लेके बैठा है, इससे बड़ी मेरी चुटिया थी मगर वो कटिंग कर दिया। अभी फिलहाल हम खाना खा रहे हैं और मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। खाने में क्या है मैं आपको बता देता हूँ, खाने में तो जो होता है शादी में वही है, वो भाई उसे छोड़ दे क्योंकि आंधी आ रही है, सुन लेंगे हम गाने। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, तो उसे नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, इन्वर्टर तो आ रहे ना। तो यार ये बड़ी प्यारी लगती है लाइट, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कैसी आंधी आ रही है, मैं भी आपको बता रहा था ना इतनी बुरी आंधी आ रही है, बहुत बुरी। तो फिलहाल इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ आज देखो कि एक साथ तीन काम आराम से हो गए, पूरे दिन इतने काम थे, दुनिया भर के काम थे, मगर शाम के टाइम और हाथ पैर पीटे जैसे कि तुम्हारे सामने, मगर मैंने सब जगह अटेंड करा आराम से बहुत अच्छे तरीके से। तो फिलहाल कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो बता देना एक कमेंट बॉक्स में। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलता हूँ जल्दी ही कोई नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। भाई सब तुम बेईमानी नहीं कर रहे, जब हमें 10 वाला पीना था तो 20 वाला दे दिया, बताया तुमने लूट लिया, बढ़ गया था बिल्ला में बड़ा समझ रहे हो, समझ रहे कुछ नहीं है, 10 की जगह 20 वाला पी लिया।